नानी नानी बाबते लोको लड़ी रहा छे। आ घटना छे सूरत नी। अही एक कारखाना मालिक नी पत्नी ने अजाण्या नंबर पर थी कॉल आवता हता, वारंवार परेशान करवामां आवती हती। एक दिवसे तेना पति ने जाण थई के कोई शख्स तेनी पत्नी ने परेशान करे छे। आ माटे परिणीताना पतिए एक युवक ने ठपको आप्यो अने आ ठपकाने कारणे जे घटना सामे आवी ते जाणीने तमे पण चौंकी जशो। अमरोलीनी घटना, कारखाना मालिकनी पत्नीने कॉल, एक शख्सनू पागलपन। अमरोली खाते आवेल कोसाड आवासमां रहेता कारखाना मालिकनी पत्नीना मोबाइल फोन पर बब्बे वखत कॉल करी हैरान करवामां आवती हती। एक माणस कॉल करतो हतो, कारखाना मालिक ने खबर पड़ी कि तेनी पत्नी ने कोई हैरान परेशान करे छे, दिवसे कॉल करे छे। कॉल करनार एवुं कहेतो कि आ नंबर पूजानो छे, पूजा हाजर छे। परिणीता दरेक वखते आ वात नकारी देती हती, अहीं कोई पूजा नथी एवी वात करती हती। छेल्ला घणा दिवसथी आवी रीते कॉल आवता हता। केवी रीते भांडो फूट्यो, फोन करनार केवी रीते झड़पायो। कतारगाम जीआईडीसी मां कापड़ रोल पॉलिशनुं कारखानुं चलावता आ छे रामु संतराम गोस्वामी। ते पोताना परिवार साथे अमरोली विस्तारमां आवेल कोसाड आवासमां रहे छे। जो के आ कारखाना मालिक एवा रामूनी पत्नीना मोबाइल पर बे दिवस अगाउ अजाण्या नंबर परथी कॉल आवतो हतो अने पूजाने आपो एम कहेतो हतो, परंतु महिलाए अहीं कोई पूजा नथी अने बीजी वखत कॉल करता नहीं एम कहीने फोन कट करी दीधो हतो। महिलानो पति रामु कारखानेथी जमवा आवता महिलाए अजाण्या कॉलनी वात करी हती अने आ अरसामां ज पुनः कॉल आव्यो। आ कॉल रामुए रिसीव कर्यो अने कॉल करनारे पूजाने फोन आपवा कह्युं, परंतु महिलानो पति रामु अवाज ओळखी गयो। रामु गोस्वामीए सामेथी कह्युं कि हुं तने ओळखी गयो छुं, तू आलम बोले छे अने अमारा ज विस्तारमां रहे छे। रामु आवी वात करीने आलमने ठपको आप्यो हतो, हवे आवुं न करवानुं कह्युं हतुं। बीजा दिवसे शुं थयुं, कोणे कोना पर हुमलो कर्यो? एक दिवस पहेला रामु अने आलम वच्चे बबाल थई हती। आ बाबतनी अदावतमां गत रात्रे आलम तेना बे मित्र सतला अने अली साथे चप्पू छरा ने लाकड़ाना फटका साथे रामुना घरे धसी आव्यो। घरनो दरवाजो खखड़ावानो अवाज आवता ज रामुए दरवाजो खोलता वेत आलम सहित त्रणे जणा चप्पू छरा ने फटका वडे तूटी पड्या। छरा वडे पेटमां ऊंडो घा मारी आंतरडा बहार काढी नाख्या हता। आ उपरांत गळा मोढा ने पीठना भागे पण चप्पूना घा झीक्या हता, जेथी पत्नी कविता अने पुत्र रामुने बचावा वच्चे पड्या, परंतु लाकड़ाना फटका वडे माता पुत्रने पण मार मार्यो हतो। आरोपीओ सोनानी चेन लूटी गया अने रामु गोस्वामीनी हत्या। आरोपीओ रामुना गळामांथी 25,000 किंमतनी सोनानी चेन आंचकीने भागी गया हता। आ घटनाने पगले दौड़ी आवेला पाड़ोशीओनी मददथी पत्नी रामुने सारवार माटे होस्पिटल लई गई, परंतु तबीबोए रामुने मृत जाहेर कर्यो हतो। घटना अंगे अमरोली पोलीसे हत्या अने लूंटनो गुनो नोंधी 3 પૈકી 2ની અટકાયત કરી પૂછપરછ હાથ ધરી છે। ટીવી સ્ક્રીન પર જોવા મળતા આ બંને રામુ ગોસ્વામીના હત્યારા છે। એક ગુસ્સામાં રામુની હત્યા કરી નાખી, હવે આ બંને મિત્રને જેલ જવાની નોબત આવી છે। ફરિયાદી સિંહના પતિ જે એમની પાસે જે સોનાની ચેનથી 25,000 રૂપિયાની એની લૂંટ કરી અને લઈ જઈ નાસી ગયેલા હતા, એ બાબતનો ગુનો અમરોલી પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલો હતો। ત્યારબાદ આ કામમાં જે ફરિયાદી સિંહના પતિ છે એમને ગંભીર ઇજાઓ થવાથી હોસ્પિટલમાં લઈ ગયેલા હતા, દરમિયાન એમનું મોત થતાં આઈપીસી 307નો ઉમેરો કરવામાં આવેલો હતો અને આ ગુનાના કામે જે 3 તહોમદારો છે એમની અમરોલી પોલીસે ધરપકડ કરેલી છે અને આગળની તપાસ હાલમાં ચલાવી રહી છે। શા માટે આલમ પરિણીતાને કોલ કરતો? પોલીસની તપાસમાં એક વિગત સામે આવી, આલમ રામુની પત્નીના પ્રેમમાં પાગલ હતો। આરોપી આલમ એક તરફી પ્રેમ કરતો, આ માટે કોલ કરતો હતો। આરોપીની ઓળખાણ થઈ જતા આલમે પરિણીતાના પતિની હત્યા કરી નાખી અને હવે આખી જિંદગી જેલમાં રહેવું પડે તેવી સ્થિતિ ઊભી થઈ છે। આજની કહાનીમાં એક સામાન્ય કારણને કારણે ગોસ્વામી પરિવાર અનાથ થઈ ગયો। શૈલેશ ત્રિવેદી, વીટીવી ન્યૂઝ, સુરત।